विदुर जातक कथा। कुरु जनपद के राजा धनंजय, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पृथ्वीलोक का सबसे पराक्रमी राजा माना जाता था। उसके राज्य में विदुर नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान मंत्री था, जिसके विवेक की कहानियां सर्वत्र सुनी सुनाई जाती थी। उन दिनों राजा धनंजय के समकालीन तीन और अत्यंत पराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनके नाम शक, वरुण और वैंतैया थे, जो क्रमशः देवों, नागों और सुपर्ण यक्षों यानी स्वर्ण गरुणों के राजा थे। एक बार किसी अवसर पर चारों राजा एक बाग में एकत्र हुए, जहां उनमें यह विवाद उत्पन्न हो गया कि उन चारों में सर्वाधिक शीलवान कौन था। विवाद जब बढ़ने लगा तो उन चारों ने सर्वसम्मति से विदुर को बुला उसकी राय जाननी चाहिए। तो विदुर ने उन राजाओं से यह कहा कि वे चारों ही समान रूप से शीलवान थे, ठीक किसी रथ के चक्रों के आरे यानी अर की तरह। विदुर की राय से चारों ही राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अनेक पुरस्कार दिए। उस रात नागराज वरुण जब अपने शयन कक्ष में आराम कर रहा था, तो उसकी रानी ने उसके गले के हार को लुप्त पाया। कारण पूछने पर जब उसे ज्ञात हुआ कि राजा ने अपना प्रिय हार विदुर को उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न हो पुरस्कार में दिया है, तो उसने राजा से विदुर का हृदय भेंट में मांगा और जिद पूरी न होते देख मूर्छित होने का स्वांग रचा। एक दिन सुपर्ण यक्षों का सेनापति पुणकराज नागलोक के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था, तभी उसकी दृष्टि नागराज कुमारी इरंदति पर पड़ी, जो एक सुंदर जुल्ले में गाती जुलती दिखी। इरंदति की अपूर्व सुंदरता को देख पुणकराज तत्काल नीचे उतर आया और इरंदति से उसी क्षण अपना प्रणय निवेदन किया। पुणक के व्यक्तित्व से इरंदति भी कम प्रभावित नहीं थी, उसने उसी क्षण उसके प्रेम को स्वीकार कर लिया। पुणकराज तब नागराज वरुण के पास पहुंचा, वहां उसने इरंदति का हाथ मांगा। नाग और गरुड़ों का वैमनस्य बहुत पुराना था, किंतु नागों पर गरुड़ भारी पड़ते थे। इसके अतिरिक्त राजा अपने पुत्री का दिल भी तोड़ना नहीं चाहता था और न ही नाग पुत्री का हाथ किसी गरुड़ को दे समस्त प्रजा का वैर मोल लेना चाहता था। अतः उसने पुणक से कुछ समय की मोहलत ले एकांत में अपने मंत्री से सलाह की। नाग मंत्री कुरुराज के मंत्री विदुर का वैरी था, उसे विदुर की प्रतिष्ठा से ईर्ष्या थी। अतः उसने राजा को सलाह दी कि वह पुणक को इरंदति का हाथ तब दे जब वह विदुर का हृदय लाकर रुग्ण महारानी को दे। इस युक्ति से रानी भी स्वस्थ हो जाएगी और स्वस्थ रानी को देख प्रजा भी। पुणक ने जब नागराज की शर्त को सुना तो वह तत्काल उड़ता हुआ कुरु देश की राजधानी इंद्रप्रस्थ पहुंचा। वह कुरुराज धनंजय की कमजोरी जानता था। वह जानता था कि कुरुराज एक महान जुआरी था, अतः राजा धनंजय के पास पहुंचा। उसने उसे जुए के लिए ललकारा और दांव पर अपने उड़ने वाले घोड़े तथा अपने उस रत्न को रखा जिससे विश्व की समस्त वस्तुएं दिख सकती थी। राजा धनंजय भी जुआ खेलने को तैयार था और उसने भी अपने अनेक प्रकार के रत्नों को दांव पर लगाना चाहा, किंतु पुणक ने तब उससे कहा कि यदि रत्न ही दांव पर लगाना था तो उसे अपने राज्य के सबसे अनमोल रत्न विदुर को लगाना होगा। खेल आरंभ हुआ, धनंजय की हार हुई और पुणक की जीत। पुणक तब विदुर को ले उड़ता हुआ काल पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने विदुर पर तलवार से प्रहार किया, मगर विदुर को छूते ही पुणक की तलवार टूट गई। विस्मित पुणक ने तब विदुर को मुक्त करना चाहा। विदुर ने पुणक द्वारा प्रदत्त मुक्ति को उस क्षण अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह पुणक के साथ नागलोक जाकर उसकी सहायता करना चाहता था। उसने पुणक को उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी टाल दिया। जब पुणक और विदुर नागलोक पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। विदुर ने राजा वरुण और रानी विमला को उपदेश और ज्ञान चर्चा से प्रसन्न किया। तत्पश्चात पुणक और इरंदति का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ।
विवाहोपरांत पुणक ने विदुर को ससम्मान इंद्रप्रस्थ पहुंचाया और उसे अपना वह रत्न भेंट में दिया जिससे विश्व की कोई भी वस्तु देखी जा सकती थी।